बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के बाद बड़े बड़े माहिरीन भी ये दावा कर रहे थे कि अब शायद इंसान कभी भी नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी ना गुजार सकेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि मुसलमानों ने उस दौर में भी अपनी मस्जिदों को आबाद रखा है जब तमाम मजाहिब के लोग अपने घरों तक महदूद होकर अपनी इबादत गाहों को भी वीरान कर गए थे। आज हम आपके सामने खाना काबा से बाहरी रुकावटें भी हटाए जाने का मंजर लेकर आए हैं जो कोरोना वायरस की वजह से लोगों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए लगाई गई थी। काबा शरीफ में जाने वाला हर शख्स ही काबा शरीफ को छूने की कोशिश करता है, लिहाजा इस तरीके से ये वायरस मुंतकिल होने का शदीद खतरा लाहिक था। तो काबा शरीफ के इर्द गिर्द ये हिफाजती खसार बनाया गया था ताकि लोग इससे एहतियात करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अब इन रुकावटों को भी मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। अब बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में वहाँ पर इबादत हो रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस रमज़ानुल मुबारक में पूरी धूमधाम से तरावी भी होगी और लाखों लोग इसमें शरीक भी होंगे। अब इस हवाले से क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।